नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे उस राजनेता की जो अपने बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में रहते हैं। हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, कैसे वो राजनीति में आए और क्या सच में वो किसी रॉयल फैमिली से आते हैं। आइए आज जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। ये कोई रॉयल फैमिली से तो नहीं आते, पर एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। इनकी फैमिली काफी लंबे समय से राजनीति में है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी एक काफी जाने माने राजनेता थे और एक प्रोमिनेंट लीडर थे। वो AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पार्टी से काफी समय तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। लेकिन 29 सितंबर 2008 को जब सलाहुद्दीन ओवैसी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद पार्टी उनके तीन बेटों में से सबसे बड़े असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में आती है। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना ये था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहां बानी और जहां फिशानी की है, और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से इस मुल्क को गुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओवैसी 2008 के बाद ही राजनीति में आए। 2004 में हैदराबाद लोकसभा में वो सांसद चुने गए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो हैदराबाद पब्लिक स्कूल में की और BSA ग्रेजुएट किया निजाम कॉलेज में, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से है। राजनीति में आने से पहले वो एक बैरिस्टर थे और अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने लिंकन्स इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन में की थी। असदुद्दीन ओवैसी को कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि साल 2014 में उन्हें सांसद रत्न से सम्मानित किया गया था और साल 2022 में उन्हें एक्सीलेंट MP का अवार्ड भी दिया गया था, उस वक्त के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के हाथों। तो अब चलिए लास्ट में उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के दादाजी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने AIMIM पार्टी को फिर से लॉन्च किया था 18 सितंबर 1957 को। असदुद्दीन ओवैसी की मां का नाम नजमुनिसा बेगम है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपने एक बयान की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे। असदुद्दीन की पत्नी का नाम फारहीन ओवैसी है। ओवैसी के कुल 6 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा है सुल्तानुद्दीन ओवैसी और बाकी 5 उनकी बेटियां हैं। तो ये थी जानकारी इंडिया के एक पॉलिटिशियन असदुद्दीन ओवैसी की। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए फैक्टफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए भारत जय तू।